मात्र 16 वोट से जीत गया कांग्रेस का बब्बर शेर, भाजपा का हुआ सूपड़ा साफ। राघोगढ़ नगर पालिका पर फिर से कांग्रेस की जीत हुई। यहां शुक्रवार को हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की। वार्ड 7 के पार्षद विजय कुमार साहू अध्यक्ष और वार्ड 14 के पार्षद राम स्वरूप मीना उपाध्यक्ष बने। इन दोनों ने ही 16-16 वोट प्राप्त किए। वहीं इस जीत के बाद पूर्व मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि राघोगढ़ में आज बुलडोजर हार गया और यह प्रेम की जीत हुई है। राघोगढ़ नगर पालिका में इस बार 24 में से 16 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं, जबकि 8 पार्षद भाजपा के हैं। कम बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपना अध्यक्ष बनाने का दावा किया था। इसी के चलते शुक्रवार को हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मतदान के लिए सुबह 11 बजे एक साथ अलग अलग गाड़ियों से कांग्रेस के पार्षद नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। इससे पहले ही नगर परिषद कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई थी। कांग्रेस ने अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी विजय कुमार साहू को और उपाध्यक्ष पद पर राम स्वरूप मीना को उम्मीदवार बनाया था। वहीं भाजपा की ओर से गोपाल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए श्वेता मनीष अग्रवाल उम्मीदवार थी। संयुक्त कलेक्टर सोनम जैन और राघोगढ़ SDM अंजलि आर ने मतदान सम्पन्न कराया। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों को अधिक वोट मिलने पर उन्हें विजयी घोषित किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से कार्य कर रहे वार्ड 7 से पार्षद बने विजय कुमार साहू के पास वर्तमान में कांग्रेस का कोई दायित्व नहीं है, पर वह पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं। वह अभी साहू समाज के अध्यक्ष भी हैं। इनके नाम पर सभी पार्षद एक राय थे। अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि नगर के विकास के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।